हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय किचन। होप यू ऑल वेल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक महाराष्ट्रियन स्वीट डिश जो है बासुंदी। बासुंदी इज़ बेसिकली एज लाइक एज रबरी विद लॉट्स ऑफ ड्राई फ्रूट्स। बासुंदी को कई तरह से बनाया जा सकता है। कंडेंस मिल्क और केसर डाल के भी बासुंदी बनता है, पर आज मैं घर पे हमेशा रहता है ऐसी चीज़ों से बना के दिखाऊंगी बासुंदी। तो चलिए देखते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन प्रेस कीजिए नए रेसिपी के अपडेट के लिए। बासुंदी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा काजू और थोड़ा सा बादाम को चॉप कर लिया है। इसे मैं थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लूँगी। आप आपकी पसंद के ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स को अलग करके सेम पैन में मैं मिल्क ऐड कर दूँगी। तो मैंने यहाँ पर फुल फैट मिल्क लिया है 1 लीटर। मिल्क को अच्छे से बॉईल करते हुए मैं इसे 1/2 लीटर बना लूँगी। मीडियम हाई फ्लेम में हम इस रेसिपी को बनाएंगे, तो इसलिए हमें बीच बीच में चलाते रहना है। आपके पास अगर आयरन कढ़ाई हो तो आप उसमें बना सकते हैं। बुजुर्ग लोग बोलते हैं उससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा आता है, पर मेरे पास नहीं है तो इसलिए मैं इसी में बना रही हूँ। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा सैफ्रन भी ऐड कर सकते हैं, पर इसका कलर नेचुरली थोड़ा सा येलिश हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं यूज़ किया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दूध गाढ़ा होने लगा है। तो इसे कुक होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, पर इसे हम हाई हीट पे कुक नहीं करेंगे। इसे साइड से थोड़ा सा जल जाता है तो ये प्रॉपर बासुंदी नहीं बनेगा। तो यहाँ पे आप देखिए ये दूध गाढ़ा होके 1/2 लीटर से भी कम हो गया है। अब मैं इसमें शुगर ऐड कर दूंगी। तो मैं यहाँ पे 50 ग्राम शुगर ऐड कर रही हूँ। आप आपके टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। शुगर मेल्ट हो गया है। अब मैं इसमें रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दूंगी। आप चाहे तो इसी टाइम इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब इसे थोड़े टाइम के लिए और मैं पकाऊंगी। तो आप यहाँ पे इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ये कितना गाढ़ा हो गया है। अब इसी टाइम मैं गैस को बंद कर दूंगी और इसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख दूंगी, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाता है। तो देखिए ये ठंडा होके कितना गाढ़ा हो गया है। तो चलिए अब इसे सर्व करती हूँ। आप इसे कभी भी घर पर या किसी प्रोग्राम में भी बना सकते हैं। तो अगर आपको ये सुपर इजी बासुंदी रेसिपी अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।